डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रेशन के टॉपिक पे हैं और एक और इंटीग्रेशन लेने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अगर कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन का इस फॉर्म में है, दैट मीन एक लीनियर फैक्टर है और अंडर रूट में लीनियर फैक्टर है। यहाँ पर क्या हो गया है, वो जो रूट वाला लीनियर फैक्टर है वो हमारे डिनोमिनेटर में चला गया है और एक लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर में। तो अगर हम इस तरह का किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। सो व्हाट वी डू, हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस जो रूट में जो लिखा हुआ है इसको टी एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा कि सी डी एक्स जो है वो डी टी के इक्वल आएगा और यहां से एक्स की वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट विल बी एक्स हियर, एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा टी माइनस बी द होल डिवाइडेड बाय सी ना। अब इस ए एक्स प्लस बी को हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए। सो हो जाएगा a ना x हो जाएगा t माइनस d बाय c प्लस b, ये x प्लस b हो गया और ये तो रूट टी हो गया। इट मीन ये जो क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, सीट ए एक्स प्लस बी कन्वर्ट हो गया a t माइनस d बाय c प्लस b और साथ में एर यू हैव अंडर रूट टी। अब इस अंडर रूट टी को और डी एक्स के प्लेस में पुट करेंगे डी टी बाई सी ने। सो ना अंडर रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। इस अंडर रूट टी को अंदर लेके आएंगे यानी ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पर एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना सकते हैं लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर फॉर्मूला बनाना नहीं है, हम उस कन्वेंशनल मेथड को यूज करने जा रहे हैं जो जनरली एग्जाम में यूज किया जाता है। यहाँ भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा ना, अगर यहाँ ध्यान से गिनेंगे तो ए एक्स प्लस बी हमारा हो गया ए टी माइनस डी बाय सी प्लस बी एंड देन होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी और डी एक्स के प्लेस पे डी टी बाय सी। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन को लेके चले जाएंगे और अब इस रूट टी से जैसे आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, इस सिंपल से इंटीग्रेट हो जाएगा। मैं फिर यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम कोई फॉर्मूला नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, हम चाहेंगे तो इसके शॉर्टकट फॉर्मूले बना सकते हैं और नहीं हुआ तो मैं एक दूसरी वीडियो में इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला डेवलप करके दिखा दूंगा आपको। यहाँ पर हम उस कन्वेंशनल मेथड को यूज कर रहे हैं जो हमें सीबीएसई एग्जामिनेशन में बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। सो नाउ फॉर द क्वेश्चन आई हैव सेलेक्टेड सम क्वेश्चंस ना, मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। हियर इट इज, ये कुछ क्वेश्चन है, कहाँ से लिया आप देख रहे होंगे कि किस एक्सरसाइज और किस बुक से लिया गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर वही है जो उस बुक में है, वहाँ 10 क्वेश्चन है, आउट ऑफ दोस 10 क्वेश्चन आई हैव टेकन द 5-1 यानी 5 क्वेश्चन लिए। सो लेट स्टार्ट सॉल्विंग इट। क्या करना है इसमें, हमने क्या मेथड बताया, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो व्हाट वी डू, हम इस 2x प्लस 3 को t पुट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो डेरिवेटिव 2dx हो गया dt यानी dx हो गया 1/2 dt। नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है, ध्यान रखेंगे। सो x हो जाएगा t माइनस 3/2, ठीक है। अब x की अब सिंपली वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दूं, सो इट इज t माइनस 3/2, ये x हो गया, प्लस का 1, ये रहा प्लस 1, द होल डिवाइडेड बाय रूट टी और dx के प्लेस पे 1/2, सो 1/2 dt। ओके, सो नाउ सी हम एक बार और इसको क्या करते हैं, ये रहा 1/2 इंटीग्रेशन में, 2 के एलसीएम लेंगे, सो ये 2 एलसीएम लेके ये बाहर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा टी और ये माइनस 3 जो है, माइनस 3 प्लस 2 ना, माइनस 3 प्लस 2, सो इट इज माइनस 1 डिवाइड बाय रूट टी डी टी। सो नाउ वी हैव 1/4। अब डिवीजन कर लेते हैं, तो डिवीजन में टी को रूट टू से डिवाइड करना है और यहाँ टी को रूट टी से डिवाइड करना है, सो वी हैव दिस 1 डी टी। सो लेट अस इंटीग्रेट 1/4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक्स पावर एन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा टी पावर 1/2 एंड अगेन 1/2, ये 1/4 बाहर है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इट इज 1/4, ये आ गया 1/4, 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं ना 2/3 और टी क्या है, टी का वैल्यू पुट कर दो, इट इज 2x प्लस 3 द होल पावर 3/2 माइनस 2, इट इज 2x प्लस 3 पावर 1/2। एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो
इस 2x प्लस 3 पावर 1 बाई 2 को कॉमन करके एक आंसर के फॉर्म में जा सकते हैं. सो यू विल गेट ए आंसर, एक आंसर मिल जाएगा आपको. सो सी क्वेश्चन नंबर 1. नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4. हियर यू हैव क्वेश्चन नंबर 4 ना, x प्लस दिस. सो अगेन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, 3x प्लस 5 को t पुट करना है. सो डिफरेंशिएटिंग 3dx क्या हो गया, dt, और x की वैल्यू कितनी होगी, t माइनस 5 बाय 3. वापस क्वेश्चन में चलो, x के प्लेस पे t माइनस 5 बाय 3, ये रहा प्लस का 2, यहाँ आएगा रूट टी और साथ में dx. dx हमारा क्या है, dt बाय 3 ना, 1 बाय 3 dt. सो नाउ ये रहा 1 बाय 3. सी क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 बाहर आएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 2 6 ना, माइनस 5 प्लस 6, सो t प्लस 1 अगेन रूट टी dt, ठीक है. अब 1 बाई 9, चलो मल्टीप्लीकेशन करता है. सो 1 और 1 बाई 2 मल्टीप्लाई हो गए, 3 बाई 2 प्लस टी टू पावर 1 बाई 2 dt, ठीक है. अब इस फिर वही x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. सो फॉर x पावर 1 n फॉर्मूला, ये रहा 1 बाई 2 t का इंटीग्रेशन 5 बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 बाई 2 प्लस टी टू पावर 3 बाई 2 द होल डिवाइड बाई 3 बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट है. सो नाउ 1 बाई 9, 5 बाई 2 बन जाएगा 2 बाई 5, और t की वैल्यू पुट कर रहे हैं, t की वैल्यू है 3x प्लस 5, सो इट इज होल पावर 5 बाई 2 प्लस 2 बाई 3, अगेन 3x प्लस 5 पावर 3 बाई 2, ओके. एस है ये सी कॉन्स्टेंट. सो हेयर यू हैव सीन कि हमें कैसे इंटीग्रेट करना है. हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है. आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है, और सी क्वेश्चन नंबर 8. लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डिफरेंस नहीं ना, इसमें सिर्फ 1 प्लस 3x को हम टी पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर के लिए. सी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 4, ये भी दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं. इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, जिस एक्सरसाइज को और जिस बुक से मैंने लिया है, उस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिए. इस एक्सरसाइज के जो 9 फर्स्ट 9 क्वेश्चन है वो सब एक जैसे हैं. दैट मीन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह से ऑल द 9 क्वेश्चन आर देयर. एक क्वेश्चन डिफरेंट है, विच वन, ये क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है. सो आइए इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं. नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 10. हियर आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 10. सो नाउ इधर ले लेते हैं बुक. सो क्वेश्चन नंबर 10, अवेटिंग क्वेश्चन नंबर 10. सो हियर वी हैव एक्स द होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डीएक्स. ये क्वेश्चन है ना, आप देख रहे होंगे यहाँ ज्यादा अंडर रूट्स है, अंडर रूट डिनोमिनेटर में है. सो जनरली हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं. सो लेट अस रैशनलाइज. सो व्हाट विल द रैशनलाइजेशन, इसके प्लस साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है. क्या किया हमने, हमने रैशनलाइजेशन किया है. यहाँ पर क्या आएगा, ये रहेगा रूट एक्स प्लस ए माइनस का रूट एक्स प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी. सो यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस का अंडर रूट एक्स प्लस बी. सी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, एक्स कैंसिल. सो नाउ बी माइनस ए हमारा कांस्टेंट आ गया ना. और ये क्वेश्चन क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है एक्स रूट एक्स प्लस ए डी एक्स, और दूसरा क्वेश्चन भी है एक्स रूट एक्स प्लस बी डी एक्स. सो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, ये दोनों क्वेश्चन वैसे ही हैं. यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स प्लस ए को टी पुट कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स प्लस बी को वाई पुट कर लेते हैं. और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से अगर इस तरह का कोई इंटीग्रल है, लीनियर अंडर रूट लीनियर और लीनियर डिवाइडेड बाय अंडर रूट लीनियर, तो उसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है. हम अंडर रूट लीनियर को, अंडर रूट लीनियर जो है उसको टी पुट करेंगे, और एक्स को टी के टर्म में कैलकुलेट करके जैसे ही दोनों सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे तो ये इंटीग्रेशन एक सिंपल हो जाएगा. यहाँ एक चीज़ मैं आपको नोटिस कराना चाहूँगा, और वो क्या है, हम जब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें जनरली हमें इसको इंटीग्रेट करने की बारी आएगी.
है ना, तो आप इसके लिए इसको x पावर माइनस टू होगा ना ये, सो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये टू रूट एक्स आता है, टू रूट एक्स प्लस सी। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्यों ना इसको याद कर लिया जाए, क्योंकि ये वन बाई रूट डी एक्स जो है टू रूट एक्स, कैसे x पावर माइनस वन बाई टू है, प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, सो इट विल बी कम लाइक दिस ना। तो अगर हम इसको याद रखेंगे, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों में इसकी बहुत जरूरत होने वाली है इस फॉर्मूले की। तो जब बार बार हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक तरह से हमें ये याद हो जाएगा कि हमें इसको किस तरीके से यूज करना है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये इंटीग्रेशन सीरीज का एक और वीडियो है, ऐसे इंटीग्रेशन के और सीरीज के लिए, वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत